दोस्तों कैसा हो अगर आपके मुंबई से गुजरात का सफर सिर्फ 2 घंटे का हो जाए और आप अहमदाबाद से मुंबई डेली अप डाउन कर सकें। अब रेगुलर ट्रेन या फिर बस से तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमारे पास भी बुलेट ट्रेन होती तो ये पॉसिबल हो सकता था। साल 2013 में बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद आज भी बुलेट ट्रेन का ये प्रोजेक्ट सरकारी दफ्तरों की धूल खा रहा है और अब तो जैसे सरकार और मीडिया दोनों ही इस प्रोजेक्ट के बारे में मानो भूल ही चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में बुलेट ट्रेन का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और क्या हमारे देश में बुलेट ट्रेन कभी चल पाएगी या फिर नहीं? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। Facts on your face. दोस्तों आज से करीब 58 साल पहले सन 1964 में जापान की राजधानी टोक्यो में शिनकानसेन ट्रेन की शुरुआत हुई थी। इस ट्रेन की रफ्तार 264 किलोमीटर प्रति घंटे थी, माने कि करीब 60 साल पहले भी ये हमारी किसी भी आम ट्रेन से 3 गुना ज्यादा तेज थी। इसकी इसी रफ्तार की वजह से इस ट्रेन को बुलेट ट्रेन कहा जाने लगा और आज जापान, स्पेन, जर्मनी और चाइना सहित दुनिया के 12 देशों के पास अपनी बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है, जिसमें चाइना की बुलेट ट्रेन शंघाईज मैगलेव 460 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। लेकिन हाँ, जहाँ दूसरे देश अपने यहाँ एक के बाद एक नई बुलेट ट्रेन लॉन्च किए जा रहे हैं, वहीं भारत में एक दशक पहले अप्रूव हुआ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अभी तक अपनी पूरी जमीन भी नहीं खरीद पाया है। साल 2009 में उस वक्त की रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी बुलेट ट्रेन की योजना लेकर आई थी, जिसके बाद साल 2013 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे मंजूरी दी और ये रेल लाइन अहमदाबाद से मुंबई के बीच बनाई जानी थी। और चूंकि बुलेट ट्रेन की पहली रेल लाइन अहमदाबाद से मुंबई के बीच बनाई जानी थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, माने कि MAHSR। लेकिन हाँ, इस प्रोजेक्ट की असल शुरुआत साल 2017 में हुई, जब जापान के फॉर्मर PM भारत आए और अहमदाबाद में उन्होंने PM मोदी के साथ इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई, पुणे और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाना था, जिस पर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ती। माने कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद अहमदाबाद से मुंबई का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाता। लेकिन दोस्तों ये बुलेट ट्रेन आज भी भारतीयों के एक सपने की तरह है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से अभी तक भारत में बुलेट ट्रेन की एंट्री नहीं हो पाई है। नंबर 1, लैंड एक्विजिशन। दोस्तों MAHSR कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार को गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली में कुल 1434.4 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। अब ये कॉरिडोर सिर्फ एक राज्य में बन रहा होता तो इसके लिए जमीन लेना भी आसान होता, लेकिन इस कॉरिडोर के लिए जो जमीन चाहिए वो 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। गुजरात और दादर नागर हवेली में तो लैंड एक्विजिशन का 80% काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में इस कॉरिडोर के लिए अब तक सिर्फ 22% जमीन ही मिल पाई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेल कॉरिडोर के रास्ते में महाराष्ट्र के 100 से भी ज्यादा गांव पड़ते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इन गांव को यहां से शिफ्ट करना होगा। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में 73 और गुजरात के नवासारी में 17 ऐसे गांव हैं जो शेड्यूल 5 में आते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5 देश के सभी ट्राइबल रीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे में इन इलाकों में कॉरिडोर के लिए जमीन पास कराना और भी ज्यादा मुश्किल है। वहीं MAHSR के बनने से गुजरात और महाराष्ट्र के 14,000 परिवारों की लाइफ इफेक्ट होगी, जिनमें से ज्यादातर फैमिलीज पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। प्रोजेक्ट के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच 12 स्टॉपेज स्टेशन भी बनाए जाने हैं और ये रेल लाइन कई जगहों पर अंडरग्राउंड और अंडरवाटर टनल से होकर भी गुजरेगी। ऐसे में कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाले 3,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स और 37 से ज्यादा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को या तो डिस्ट्रॉय किया जाना है या फिर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इतने सारे गांव को शिफ्ट करना और प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं, और यही वजह है
कितने साल बीत जाने के बाद भी अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 60% जमीन ही मिल पाई है। नंबर 2, करेंसी इन्फ्लेशन। दोस्तों बता दूं कि MAHSR 1,08,000 करोड़ के मेगा बजट में बनाया जा रहा है, जो देश के रेलवे बजट से थोड़ा ही कम है। लेकिन इतना सारा पैसा अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में गुजरात, महाराष्ट्र राज्य के अलावा कई जापानी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने भारत को 88,000 करोड़ अगले 50 सालों के लिए 0.1% के इंटरेस्ट पर दिया है। लेकिन करेंसी इन्फ्लेशन की वजह से सरकार के लिए इतना बड़ा लोन लेना मुश्किल हो रहा है। वही प्रोजेक्ट में हो रहे लगातार डिलेज की वजह से भी प्रोजेक्ट की फंडिंग में इश्यूज आ रहे हैं। इन सब के अलावा इस प्रोजेक्ट का इतना बड़ा होने की वजह से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL को इस प्रोजेक्ट के लिए सही बिडर भी नहीं मिल पा रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 8 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था, जिनमें से अब तक सिर्फ 5 पैकेजेस के ही कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल हो पाए हैं और बाकी के बचे पैकेजेस के लिए सरकार अभी भी सही बिडर्स की तलाश कर रही है। नंबर 3, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दोस्तों वैसे तो हर इंफ्रा प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से जुड़े ही होते हैं, लेकिन चूंकि ये रेल प्रोजेक्ट इतना बड़ा है इसीलिए इससे पड़ने वाले एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 37,000 पेड़ों को काटा जाएगा। यही नहीं, ये कॉरिडोर गुजरात महाराष्ट्र के 7 ऐसे कोस्टल एरिया से होकर गुजर रहा है जिनका अगले कुछ सालों में सी लेवल बढ़ने वाला है। वहीं इस रेल कॉरिडोर के रूट पर 4 बड़े बर्ड एरियाज और 3 इको सेंसिटिव जोन्स भी हैं। ऐसे में अगर इन जोन से ये रेल लाइन गुजरती है तो ये यहाँ रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। नंबर 4, पॉलिटिक्स। दोस्तों MAHSR प्रोजेक्ट के डिले होने का आखिरी और सबसे बड़ा कारण पॉलिटिक्स है। इस प्रोजेक्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं और जब दो राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं तो वो ऐसे प्रोजेक्ट में अपना शेयर और क्रेडिट दोनों ज्यादा से ज्यादा चाहती हैं, जिस वजह से प्रोजेक्ट की कई लीगल फॉर्मेलिटीज अब तक पूरी ही नहीं हो पाई है और ये प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ सरकारी दफ्तरों की फाइलों में ही घूम रहा है। खैर दोस्तों, 1 ट्रिलियन के खर्च से बनने वाला मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर अगर बन जाता है तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। बुलेट ट्रेन के आने से न सिर्फ लोगों का टाइम बचेगा बल्कि उनके लिए इन दो स्टेट्स के बीच कम पैसों में रेगुलर ट्रैवल करना भी आसान हो जाएगा। एक सच ये भी है कि अगर हमें इस बुलेट ट्रेन का सपना पूरा करना है तो इसके लिए हजारों लोगों को अपना घर गांव छोड़ना होगा, कई जंगल पहाड़ और नदियों को अपनी कुर्बानी देनी होगी। ऐसे में आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या बुलेट ट्रेन के लिए हमें इन सब चीजों की कुर्बानी देनी चाहिए या फिर नहीं। खैर अगर आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही और भी वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।